आपका क्वेश्चन है, यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी गिवन बेस बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल एबीसी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज एंड एबी प्लस एसी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल मेक द बेस, बेस इज योर 7 सेंटीमीटर्स, तो हम क्या लेंगे, स्केल लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल मेक अ बेस ऑफ 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज योर 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको, यू हैव टू मेक एन एंगल। इसने कहा एंगल ए बी सी, सेंटर में देखो क्या है, बी, दैट मींस सेंटर में आपका बी होना चाहिए, दैट मींस एंगल बी इज 60 डिग्रीज। ठीक है ना, टेक अ कंपास, उसके अंदर फिक्स एनी मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट आप फिक्स कर सकते हो। नाउ टेक बी एज अ सेंटर एंड मेक एन आर्क फ्रॉम हियर टू हियर, तो आर्क विल कम लाइक दिस। ठीक है ना, फिर दिस पॉइंट इज योर सपोज डी पॉइंट। नाउ डी में आपको सेम मेजरमेंट चेंज नहीं करना है जो आपने लिया था पहले, बी से जो आर्क बनाया था बीडी, सेम मेजरमेंट। नाउ टेक डी एज अ सेंटर एंड मेक एन आर्क, इट विल कम लाइक दिस। ठीक है ना, दिस पॉइंट इज योर ई। नाउ जॉइन ईबी, ईबी को जॉइन किया हमने, तो दिस एंगल इज योर 60 डिग्रीज। ठीक है ना, बीई को आप क्या करेंगे, यू विल गो ऑन एक्सटेंडिंग, आप एक्सटेंड करेंगे, इट विल कम लाइक। ठीक है, तो दिस इज योर एक्स। नाउ अब आपको क्या करना है, देखो इसने कहा ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना, तो दैट मीन्स समवेयर इज ए ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर वी विल फिक्स ऑन आवर कंपास, 12 सेंटीमीटर पूरा फिक्स करेंगे। ठीक है, एंड मेक एन आर्क बाय टेकिंग बी एज अ सेंटर। तो हमने क्या किया, एक आर्क बनाया बाय टेकिंग बी एज अ सेंटर, तो दिस पॉइंट इज योर एफ पॉइंट। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, आप एफ एंड सी को ज्वाइन करेंगे, तो हमने क्या किया, एफ एंड सी को ज्वाइन कर दिया ना, तो ये आपका न्यू लाइन है। नाउ बाइसेक्ट इट, तो हमने क्या किया, इसको बाइसेक्ट किया, तो बाइसेक्ट किया तो देखो कैसे बाइसेक्ट हो रहा है, कंपास के ऊपर टेक एनी मेजरमेंट बट इट शुड बी मोर देन दिस हाफ द, जो आपका मेजरमेंट है इसके हाफ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, सी एट द सेंटर वी विल मेक एन आर्क, और इस साइड में भी सेम मेजरमेंट का यू विल मेक एन आर्क। ठीक है ना, नाउ टेक एफ एस अ सेंटर एंड इंटरसेक्ट बाइसेक्ट दिस टू आर्क्स बाय अनदर आर्क, दूसरा आर्क बनाएंगे आप जो इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो हमने यहां रखा और हमने क्या किया, एक ऐसा बना दिया। ठीक है ना, यहां रखा और हमने क्या किया, एक ऐसा बना दिया। ठीक है ना, तो दिस, ये जो जहां पर इंटरसेक्शंस हैं ये दोनों को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और क्या करना है आपको,
इसको एक्सटेंड करना है टिल इट जॉइंस बी एंड एफ, ठीक है। तो इसको हमने एक्सटेंड किया, तो दिस पॉइंट इज योर ए नाउ, ठीक है। नाउ तो आप क्या करना है, ए एंड सी को ज्वाइन करना है आपको। नाउ योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज ए बी एंड सी, ठीक है। तो सेम चीज अब हम लिखते हैं, सबसे पहले आपका है क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। नाउ सेकंड आपने क्या किया, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, है ना, 60 डिग्री बनाया। नाउ फिर आपने क्या किया, बी एफ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स बाय कंपास, ठीक है। नाउ जॉइन एफ सी, जॉइन एफ सी, नेक्स्ट बाइसेक्ट एफ सी, नाउ फिर आपने क्या किया, आपने बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, बाइसेक्टर्स को एक्सटेंड किया टिल ए, एक्सटेंड अप टू ए। नाउ जॉइन ए सी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज ए बी एंड सी, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट सी करने हैं इसके अंदर। नाउ तो हमने इसमें क्या किया है, देखो इसने क्या कहा, ए बी प्लस ए सी, तो हमारा कहां पर है, ए बी प्लस ए सी दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेकिन हमने तो 12 सेंटीमीटर यहां पर लिया था एफ, है ना, बी से लेके एफ तक लिया था। तो हमने इसमें क्या किया है, हमने देखो क्या किया है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, है ना। तो हमने क्या किया, इसको कैसा बना दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये अगर ये बाइसेक्टर है तो इट फॉर्म्स अ 90 डिग्री, है ना। नाउ तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो साइड इज इक्वल, दिस इज इक्वल एंड 90 डिग्रीज आर इक्वल। तो therefore by CPCT we can do AF is equal to AC। तो हमने यहां पर क्या किया है, AF is equal to AC, ठीक है।